हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य एंड ऑटोटेक इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 125 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आपको इसकी फुल डिटेल, इंजन डिटेल, ऑल डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। स्टार्टेड फ्रंट से, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की इसकी विंडशील्ड मिलती है फ्रंट में, ट्रांसपेरेंट वाली। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन सेटअप मिलता है फ्रंट में। साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पियानो ब्लैक फिनिश में वाइजर मिलता है न्यू ग्राफिक्स के साथ में। ये आपको हम लोग इसका ब्लैक कार्बन एडिशन दिखा रहे हैं। इस साइड आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इसका मडगार्ड मिलता है, जो कि ये इस तरीके कार्बन डिज़ाइन में दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में। टेलीस्कोपिक फोक टाइप के सस्पेंशन आपको फ्रंट में दिए जाते हैं। एक रिफ्लेक्टर आपको इस साइड दिया जाता है और एक रिफ्लेक्टर आपको इस साइड भी दिया जाता है। अब फ्रंट टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको 1817 की टायर प्रोफाइल मिलती है। 17 इंचेस के आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में अलॉय सामने दिए जाते हैं फ्रंट में। अब अगर बात करें इसके डिस्क की, तो यहाँ पर आपको 240mm की फ्रंट में डिस्क दी जाती है कैलिबर के साथ में। एक रिफ्लेक्टर आपको इस साइड भी दिया जाता है। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको टैंक की काउल के ऊपर यहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइन मिलती है। फुल्ली मेटल में आपको इसका टैंक दिया जाता है। 3D में पल्सर का लोगो दिया गया है क्रोम की डिज़ाइन के साथ में। काउल में आपको फुल मेटल का ही काउल भी दिया गया है इंजन टैंक के में साथ में। इस साइड की बात करें, इस पैनल की बात करें, तो यहाँ पर आपको जिस तरीके की डिज़ाइन दी गई है जाली टाइप में, इस तरीके का यहाँ पर स्टीकर आपको यहाँ पर कार्बन का दिया गया है। बात करें इस साइड की, इस साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ब्लैक में पैनल दिया गया है। 125 का स्टीकर भी आपको इस साइड से कुछ ऐसे दिया गया है। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पर भी आपको एक टर्न इंडिकेटर दिया गया है। बात करें अगर बैक की, तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट मिलती है बैक में। एक रिफ्लेक्टर आपको बैक में दिया गया है। नंबर प्लेट लगवाने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। बैक में कुछ इस तरीके की मडगार्ड आती है और कुछ इस तरीके से लुक आती है बैक में बजाज पल्सर 125 की। अब इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पैनल पर 125 का स्टीकर मिलता है कुछ इस तरीके के पैनल में। यहाँ पर आप इस साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जाली कट में डिज़ाइन दिया गया है। इस साइड भी सेम पैनल पर। बात करें बैक की, तो यहाँ पर आपको टायर अगर एक दिया गया है और इसकी बैक टायर की अगर प्रोफाइल करते हैं तो बात करते हैं तो इसमें आपको 1917 की बैक टायर प्रोफाइल मिलती है। 17 इंचेस के आपको बैक में भी इसके अलॉय दिए जाते हैं। 130mm की यहाँ पर आपको बैक में ड्रम ब्रेक्स दी जाती हैं। ट्विन गैस शॉक टाइप के सस्पेंशन आपको बैक में दिए जाते हैं। मफलर गार्ड भी आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट के ऊपर दिया जाता है कुछ ब्लैक कलर का ही सेम। एक आपको फुटरेस्ट इस साइड मिलता है, एक फुटरेस्ट आपको इस साइड भी दिया जाता है। उसी तरीके से बात करें सेम इस साइड पर, तो यहाँ पर आपको एक मेटल में साड़ी गार्ड दिया जाता है इस साइड पे। ट्विन गैस शॉक सस्पेंशन आपको बैक में भी दिए जाते हैं। इस साइड की अगर बात करें तो एक फुटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है और एक फुटरेस्ट आपको यहाँ पर भी दिया गया है। 5 गियर बॉक्स का आपको इसमें सिस्टम मिलता है फुल्ली यहाँ से यहाँ तक पूरा। एक की होल्डिंग का सिस्टम भी आपको यहाँ पर दिया गया है। साइड स्टैंड कट ऑन ऑफ का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है इंडिकेशन के साथ में। रियर ब्रेक का लीवर आपको यहाँ पर दिया गया है फुटर्स के साथ में। नॉर्मल की आपको दी गई है। DTSI का स्टिकर दिया गया है। अब बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 124.4 cc का एयर कूल्ड 4-stroke 2-valve BS6 कॉम्प्लियंट DTSI इंजन मिलता है, जो कि 11.8 PS की पावर जनरेट करता है 8500 RPM पर। और टॉर्क की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको 10.8 Nm का टॉर्क मिलता है 6500 RPM पर। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें अगर, तो इसमें आपको 165mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है। इंजन काउल की बात करें अगर, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन में एरोडायनेमिक टाइप में आपको इंजन काउल मिलता है फ्रंट में फाइबर में। एक आपको यहाँ पर कैटलिटिक कन्वर्टर मिलता है।
एक स्पार्क प्लग आपको इस साइड मिलता है और जस्ट उसी के अपोजिट में आपको वहाँ पर भी एक स्पार्क प्लग दिया जाता है फ्रंट में। एक आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्रैश गार्ड दिया जाता है इस साइड और एक इस साइड, अलग अलग आपको यहाँ पर क्रैश गार्ड दिए जाते हैं। सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पर दिया जाता है, सिंगल हॉर्न। इस साइड भी कुछ इस तरीके की फ्रंट में इसकी डिज़ाइन आती है, फ्रंट में कुछ इस तरीके से इसकी। अब बात करते हैं इसके मीटर की, तो इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको आरपीएम मीटर मिलता है, एनालॉग में स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल मीटर मिलता है, ट्रिप मीटर आपको यहाँ पर डिजिटल में दिया गया है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर की इंडिकेशन और यहाँ पर आपको गियर की इंडिकेशन, इंजन माल फंक्शन लाइट, ऑल डिटेल आपको यहाँ पर इसके कंसोल में दी गई है। बात करें इसके साइड के बार हैंडल स्विचेस की, जिसमें आपको पासिंग का स्विच, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको इस साइड आपको क्लच का लीवर दिया गया फ्रंट में। अब बात करें इस साइड के हैंडल के स्विचेस की, तो इसमें आपको इंजन कट ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ मिलता है। एक आपको यहाँ पर एक्सीलेटर दिया गया है, फ्रंट ब्रेक का लीवर आपको कुछ इस तरीके के ब्लैक में यहाँ पर दिया गया है। कुछ इस तरीके की लुक आती है आपकी। यहाँ से टैंक की बात करें तो इसमें आपको 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। टैंक पैड की बात करें टैंक पैड की, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का रबड़ में आपको टैंक पैड मिलता है, इस तरीके की डिज़ाइन मिलती है काउल की यहाँ पर, टैंक काउल की। एक आपको यहाँ पर होल्डिंग का स्विच मिलता है, की होल्डिंग का ओपनर में। बात करें अगर इसके डायमेंशंस की, इसमें आपको इसकी 2042 mm की लेंथ मिलती है। हाइट की अगर बात करें तो इसमें आपको 1060 mm की हाइट मिलती है। और इसकी अगर पैसेंजर सीट की बात करें अगर, तो इसमें आपको 790 mm की सीट मिलती है। और बात करें अगर इसके व्हील बेस की, तो इसमें आपको 1320 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि इसमें मिलता है पल्सर 125 में। इस वीडियो में आपको इसकी शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।